हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। और अभी रात्रि के 1 बज चुके हैं और मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए, और अभी मैं फ्लाई करने वाली हूँ बैंगलोर टू दिल्ली। सो चलिए हमारे साथ दिल्ली हमारे साथ, और बाकी मैं आपको दिल्ली पहुँच के ही दिखाती हूँ। अभी चेकआउट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय गाइस। बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, 2 दिन हो चुके हैं, आँखों में नींद भरी है और नींद चाहिए अब मुझे। अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, तो चलिए हमारे साथ एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट, क्योंकि चेन्नई से तो यहाँ बाय ट्रेन आए थे। अभी करेंगे हम लोग दिल्ली के लिए ट्रैवल। हम आ चुके हैं चेकआउट एरिया, चलते हैं रिसेप्शन से चेकआउट करते हैं और फिर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। थोड़े ही देरों में कह सकते हैं कि हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। आप लोग हमारा ब्लॉग देखते रहिए, बाकी मैं एयरपोर्ट पहुंच करके फिर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए बाय गाइस। हूँ यहाँ पे टर्मिनल 2 पे बैंगलोर के, और सच बताएं ये काफ़ी यूनिक इसका कंस्ट्रक्शन हो रखा है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा एयरपोर्ट मैंने तो इंडिया के अंदर नहीं देखा था। तो चलिए मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके इसका नज़ारा दिखा देती हूँ। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से नहीं, टर्मिनल 1 से है, लेकिन ये टर्मिनल 2 है। और यहाँ से जब मैं गुजर रही थी तो आई वाज थिंक कि मैं चलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा दूँ। ये पूरा ही गोल्ड जैसा दिख रहा है, लेकिन नज़दीक आने से ना ये सारे बैम्बू के बने हुए हैं। तो मैं आपको बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। टर्मिनल के अलावा, टर्मिनल 2 के बाद हम आ चुके हैं टर्मिनल 1 पे, और ये है यहाँ का टर्मिनल 1, और ये रहा हमारा लगेज। और चलिए एंट्री लेते हैं और आपको दिखाते हैं दिल्ली तक का ट्रैवल हमारे साथ। अभी हम टर्मिनल 1 पर हैं बैंगलोर में, और हमारी फ्लाइट है। जरा पकड़िए, अच्छा ध्यान दीजिए, आपके हाथ में लगा हुआ है कुछ। तो गाइज आइए, हम जरा आप लोगों को घुमाते हैं। तो आइए, और ये हैं आपकी दोस्त श्यामा जी, जो आप लोगों के लिए मस्ती मजाक भरे वीडियोस बनाती रहती हैं। मैं तो जब देखता हूँ खाती रहती हैं, तो बेहतर है कि खाना छोड़कर और कुछ काम भी करें। जरा इधर देखिए, लुक एट मी, नो लुक एट कैमरा। घायल परिंदा है तू, फिर भी ये जिंदा है तू। तो गाइस देख सकते हैं आप बैंगलोर एयरपोर्ट, और अभी मुझे निकलना है इंडिया के बाहर, और बाकी मैडम को जाना है दिल्ली। तो ठीक है, श्यामा जी एकदम घूम रही हैं। तो आइए गाइस आपको दिखा देते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, और अभी हम एंट्री लेने वाले हैं। चलिए गाइस, और बाकी तो सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है इंडिया के बाहर। इस बार हमने ब्लॉगिंग किया, इंडिया के बाहर की भी कुछ वीडियोस हमने बनाई हैं, तो आप लोग देखना। अभी टाइम मिलेगा तो 100% हम पोस्ट करेंगे, और आप लोग देखना, आपको मज़ा आएगा देख करके, बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए एंट्री लेते हैं, चेक इन। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट में ही अभी, और अभी एयरपोर्ट के अंदर हैं। अभी थोड़ी देर के लिए दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले हैं, बट मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, नींद भी बहुत आ रही है और मन भी थोड़ा अजीब हो रहा है। टीथ में जैसे जैसे हवा चल रही है ना, तो बहुत पेन हो रहा है। तो मैं थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ, और मैं मिलूँगी डायरेक्ट दिल्ली में, और दिल्ली में ही ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी। अभी तो बिल्कुल ही करना। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30, और हम पहुँच चुके हैं दिल्ली, और अब यहाँ से घर जाना है। और घर के साथ तो थोड़ी नींद तो आई है, बट अभी भी बहुत नींद आ रही है। तो चलिएगा, जब डायरेक्ट मैं घर चल के बात भी करेंगी, घर चल के आपको दिखाते हैं, और सुबह का व्यू आपको एक बार दिखा देती हूँ। मॉर्निंग व्यू हो रहा है यहाँ। इतने 2-4 दिनों में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि ये सही से सो सके, और ये एक मैंने टॉवल रख रखा है क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी लग रही थी इस वजह से। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट, बस मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ के घर पहुँचूँ। बैंगलोर से दिल्ली आ गए थे, दिल्ली के बाद अभी पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद हम आ चुके हैं मुंबई फिर से, और ये मुंबई में हमारी फैक्ट्री है। अभी आज संडे है जबकि, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे आकर के थोड़ा काम वाम को देख लिया जाए कि कैसा चल रहा है। तो ऑलरेडी 1 वीक से
से एक्सीडेंट के बाद कुछ काम पे ध्यान दिया ही नहीं हम लोगों ने, और बट अभी मैं यहाँ पहुँची हूँ और बहुत सारा काम है जो थोड़ा लाइक मुंबई से मैं दिल्ली आई, दिल्ली से फिर मैं मुंबई के सॉरी बेंगलोर से मैं दिल्ली गई, दिल्ली से फिर मैं मुंबई के लिए चली, ये सारे ब्लॉग बीच में मिस हो गए हैं। मेरा तो पूरा शकल ही बदल गया है दांत टूटने के बाद, बट ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि यस कि वहाँ से मुंबई दिल्ली से मुंबई आने का ब्लॉग हमारा मिस हो गया, हम सोते हुए आ गए इसलिए पता नहीं चला क्योंकि दो दिनों से सोए नहीं थे। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और फिर से आज से ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।